सो हेलो वन प्लस यूजर्स, आप यूज़ करते हैं एक वन प्लस मोबाइल फ़ोन और आपकी जो मोबाइल की टच स्क्रीन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही। अगर आप पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं या फिर कोई सा भी गेम खेलते हैं तो उस समय भी अगर आपकी स्क्रीन है वो अच्छे से काम नहीं करती, कहीं पे भी टच नहीं मानती, या फिर आप यहाँ पे 3 से 4 जैसे भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे 3 से 4 फिंगर टच करते हैं तो वो एक साथ काम नहीं कर सकते, तो ऐसे में इस मोबाइल की जो टच स्क्रीन है इसको कैसे सही कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ 3-4 आपको टॉपिक्स बताऊंगा या फिर पॉइंट्स बताऊंगा, उनको आपको अच्छे से अप्लाई करना है, इसके बाद में आपकी जो ये टच स्क्रीन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे कोई सा भी टॉपिक आपके मोबाइल से रिलेटिव हो सकता है तो वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना ताकि आपको ये पूरा समझ में आ सके। और हाँ, मैं बीच में सब्सक्राइब लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 90% है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देखते हैं, तो प्लीज़ यारों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार वन प्लस के मोबाइल फ़ोन पर जो ये अपन टच करते हैं, मान लीजिए 4-5 अंगुली को एक साथ टच कर देते हैं तो वो कैसे सही होगा। तो फर्स्ट अपन होता है टेम्परेचर, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का टेम्परेचर है वो सही रखना पड़ेगा। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को कहीं ज़्यादा धूप में रखे यूज़ करते हो तो उस दौरान भी अगर आपका मोबाइल नहीं चलेगा या फिर अपने मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर हो तो भी ये यूज़ नहीं करेगा। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में अगर कोई है या फिर कोई राजस्थान में है तो वहाँ वालों के लिए ये पॉइंट अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि जब कोई मोबाइल फ़ोन जिनका पुराना हो गया वन प्लस का और छोटा मोबाइल है और बहुत पुराना मोबाइल हो गया जिसके कारण उनकी बैटरी भी डैमेज हो चुकी है गेम खेलते खेलते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि गेम खेलने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्ज को लगा के फिर गेम प्ले करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले चार्ज करना है और उसके बाद में फ़ोन को प्ले करना या फिर जो भी गेम खेल रहे हो उसको खेलना, तब आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी प्रॉब्लम आती है आपका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर, यानी कि अपन ने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ग्लास लगा रखा है, बेसिकली आपके ग्लास में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर एयर वगैरह हो सकती है, तो आप अपने ग्लास को भी चेंज करके देख सकते हैं, इससे भी आपकी जो मोबाइल की टच स्क्रीन है वो सही हो जाएगी। और इसके बाद अपन बात करते हैं वो रहेगा इंडिविजुअल ऐप, यानी कि आप कोई से भी ऐप एक किसी एक ऐप के अंदर आपकी ये टच स्क्रीन प्रॉब्लम आती है और अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आपको क्या करना है, जो भी मान लीजिए आप बैटल ग्राउंड पबजी खेलते हैं या लाइट फ्री फायर खेलते हैं या फिर कोई सा भी गेम खेलते हैं तो आपको क्या करना है, उस गेम पे ऐसे प्रेस करके रखना है, इसके बाद में आप आएगा ऐप इन्फो, बेसिकली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मिलता है स्टोरेज यूजेस, बेसिकली क्लिक करना है यहाँ पे। क्लिक करने के बाद में आपकी जो गेम है उसका जो क्लियर केस है ना, इसको आपको बेसिकली क्लियर केस कर देना होगा, जो भी ये केस मेमोरी है ना ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद में आप प्ले करके देखना आपका जो गेम है वो अच्छे से चल जाएगा, ऐसे भी नहीं चलता तो यहाँ से एक बार इसको अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करके फिर देखना आपका वो इंडिविजुअल जो भी ऐप है वो चल जाएगा। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, वो है आपका ऑक्सिनोस ओएस, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जाना है और आपके वन प्लस मोबाइल फ़ोन के अंदर सभी के लिए अलग अलग आ जाता है, लेकिन आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट कर लेना है, यानी कि जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसको अपडेट कर लेना है, कोई सा भी मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो। इसके बाद में आता है गेस्चर मोशन, तो आपको बेसिकली सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गेस्चर मोशन, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है गेस्चर। सो जितने भी गेस्चर एंड मोशंस है बेसिकली इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर, या फिर बैक आके मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। सो बेसिकली नीचे आना है और यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन के अंदर होगा, यहाँ पे मेरे को भी इतना याद नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे यही सही रहेगा, आप यहाँ पे लिखना गेस्चर एंड मोशन, हाँ ये लिख देना स्पेलिंग एंड यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपन को एक फीचर मिलता है जिसमें अपन क्या होता है कि एक 3 स्क्रीन ऐसे करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट आ जाता है, तो आपको सबसे पहले इसको बंद कर देना होगा। आपको यहाँ से क्या करना है, इस पर बेसिकली क्लिक करना है और यहाँ से
गेस्चर वाले ऑप्शन को बंद कर देना होगा, अगर यहाँ पे इनेबल है तो उसको डिसेबल कर देना। इसके बाद में आता है जो थ्री फिंगरप्रिंट स्क्रीन वाला है, मान लीजिए जैसे इसमें क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेने का एक ऑप्शन मिलता है, तो बेसिकली आपको इस ऑप्शन को बंद करना पड़ेगा अगर आप अपनी स्क्रीन को सही से चलाना चाहते हो। तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर देना, नीचे और मिलता है इसी को भी ऑफ़ कर देना, और फिर देखना आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो अच्छे से वर्क करेगी। आप जैसे ही पबजी खेलेंगे तो 4 या 5 अंगुली या 6 अंगुली जितनी भी रखोगे तो वो अच्छे से काम करेगी। तो ये सारे टॉपिक अप्लाई करके देख सकते हो अपने मोबाइल फोन पर, कोई सा अप्लाई हो जाएगा और आपकी जो डिस्प्ले है वो अच्छे से रन करने लगेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।